वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैंने क्लिप में आराध्या की लगाई हुई है और ना मेरी मिल लग रही थी इस वजह से, और आराध्या भी मस्ती कर रही है। ये देखिए, हेलो करो आरू, हेलो। ये ना टीवी देखने में बिजी है एकदम। हेलो हेलो, कैसे हो? बोलो, ठीक हो? आप सब कैसे हो? ठीक हो। चाय पी? पी। कुछ खाया? खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और यहाँ पे हम और आराध्या मतलब मस्ती कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, और इधर ही ना लालिक्स जो होते हैं टीवी चल रही थी, वही मैं भी देख रही थी और मेरी आराध्या भी देख रही थी, हम दोनों साथ में ही। और सबका चाय वगैरह हो गया है, सब चाय पी लिए, नाश्ता वगैरह भी कर लिए। अभी हम लोग सोच रहे थोड़ा आज बाहर जाने के लिए, देखो जाते नहीं जाते। यहाँ पे आराध्या की बॉटल रखी हुई है और वहाँ पे भी थोड़ा हम लोग घूमेंगे टहलेंगे और थोड़ा सा मस्ती वगैरह भी होगा। तो अगर हो सकता है, अभी हम लोग प्लान बना रहे हैं, अगर जा पाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं। तो आज मेरा मतलब हमेशा मेरा स्टार्ट ही होता है इवनिंग टाइम में ही ब्लॉग, तो मैंने इसी टाइम भी स्टार्ट किया है। अगर टीवी की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग वही देख रहे थे। ये सीरियल मुझे अच्छा लगता है तो मैं देखती हुई हूँ, और बस और क्या बात करूँ मैं। आप लोगों ने चाय वगैरह पिया बताना मुझे कमेंट करके। अगर मैं जाऊँगी तो आप लोग को मतलब वहाँ की फेमस दुकान है ना, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का है, तो वहाँ की मतलब बहुत अच्छा, मतलब हर डिश जो भी वो मतलब बनाता है ना तो बहुत अच्छा ही रहता है खाने में। तो वहाँ पे देखो जाते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। ओके गाइज, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम लोग आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। सुनो जॉनी जॉनी। डैडी। यस पापा। यस पापा। ईटिंग शुगर। ईटिंग शुगर। नो पापा। नो पापा। टेलिंग ए लाइक। नहीं 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 नहीं, टेलिंग ए लाइक। नो पापा। नो पापा। ओपन योर माउथ। ओपन योर माउथ। मछली जल की मिट्टी मिट्टी से, ऐसा नहीं, मछली जल की मिट्टी मिट्टी रानी है, रानी है जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ बाहर निकालो वेरी गुड। 1 2 सुना दो आजू, कैसे आपको काउंटिंग सुना दो, आप सुना दो बेटा काउंटिंग बात, ऐसे नहीं 1 2 ऐसे करके सुना दो। और 1 2 कैसे करते हो, हमको सुना दो, मम्मा को सुना दो। तो यहाँ पे आराध्या की थोड़ी मस्ती भी हुई, और मैंने बात करके मतलब फोन में मतलब आप लोग से बाय बोल के मैं सोची थी कि थोड़ी देर में आप लोग से मिलूंगी। उसके बाद इसने क्या किया कि नहीं मम्मा मुझे बात करनी है, तो मैंने सोचा क्या पता कोई बात बात करनी होगी इसको, तो यही सब। फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ पे जग भी रखा है, यहाँ पे ना पानी वगैरह पीना होता तो नीचे बार बार जाना पड़ता है, मेरा रूम आप लोग को पता ही है ऊपर है, इस वजह से। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मुझे जाना है, और मतलब वहाँ पे जैसे मैंने हम लोग से बताया था, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, जो पहना था मैंने वही पहन रखा, तो वही पहन के मैं चली भी गई। और मेरे साथ मेरा भाई है और जो ननद है वो है, और मैं हूँ, और ये भी हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं। आराध्या नहीं थी, आराध्या सो रही थी उस टाइम, तो हम नहीं गए, उसको मतलब लेके नहीं गए। और हम लोग मतलब मैंने सोचा कि आप लोग से थोड़ी बात हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने उसके बाद रास्ते का थोड़ा सा व्यू आप लोग देख लें, तो मैं अभी आप लोग से थोड़ी देर में वहाँ पे मिलती हूँ। और Yeah, I'm gonna get it.
गाड़ी में तेल भरवाना था, और पहुँच गए हैं और खाना स्टार्ट कर दिया है पानी के साथ। मैं यहाँ पर अपना स्टोव वगैरह सही कर रही थी, और यहाँ का जो पानी का साथ था बहुत फेमस था। तो हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं जिस शॉप पर, मतलब जो हम लोग रेस्टोरेंट पे आते थे रेगुलर, वो वहाँ नहीं आ पाए, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि वो कहना नहीं हम तो बाहर जाते हैं, आप बस यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ का कैसा रहता है। यहाँ का नाम बहुत सुंदर था हम लोग, इस वजह से तो मैं मतलब सब लोगों ने फर्स्ट टाइम ही खाया था वहाँ का पानी बरसाता है टिक की, बहुत अच्छा था। और ये पानी बरसाता का स्वाद वाकई में बहुत अच्छा था, यम्मी सा खट्टा मीठा स्वाद था और तीखा चटपटा सा, और मज़ा आ गया। और यहाँ पे ये ननद चली गई थी और मैं और छोटू मेरा भाई मतलब दोनों लोग खा रहे थे, और मुझे पानी बरसाता बहुत अच्छा लगता है, अधिकतर सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं वही पानी बरसाता वगैरह खा रही थी, तो वाकई में बहुत अच्छा था यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब मैगी चाउमीन और मैकरोनी और मतलब बर्गर वगैरह जितने भी होते हैं ना फास्ट फूड यहाँ पे सब मिलते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको बस अधिकतर लोग यहाँ पे खाते हैं। तो बस यहाँ पे पानी बरसाता हो गया था हम लोग का। अब मैं यहाँ पे टिक्की खाने वाले, दही वाली टिक्की थी और टिक्की बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी खा लीजिए, और ये हेलो कर रही है नरेश जी, और सब खाने में व्यस्त हैं। तो यहाँ की टिक्की बहुत फेमस थी और बहुत अच्छा भी लगा खाने में भी। यहाँ पर मैं इससे पूछ रही थी तुम्हें कैसा लगा, तो कह रही बहुत ही अच्छी सा, बहुत मज़ा आ गया खाने में। तो ये मतलब ना मज़ा ले ले की टिक्की खा रही थी। और यहाँ पे उसका जो मतलब बहुत बड़ा ही शॉप मतलब रेस्टोरेंट नहीं है जैसा कि मैंने यहाँ पर को दिखाई दिया है। और यहाँ पे जो मतलब वो था बिल पेमेंट हो रही थी, और यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी, तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी उड़द की, जो चूड़ी होती जैसे कि खड़ा उड़द ले कर आते हैं ना, तो उसकी मतलब छोटी छोटी सी हो जाती है, तो वही है। तो वो मैंने पानी में भिगो दिया। और ये मैंने यहाँ पे आलू गोभी सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, और इस बीच पापा आए थे, उनके लिए चाय वगैरह बनानी थी मुझे, तो मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था इसका। ये जो मतलब मैंने यहाँ पे औरत की जो छोटे टुकड़े की होती हैं, और हम लोग क्या चूड़ी की रोटी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ पर मैंने दाल फ्राई करने के लिए तड़के वगैरह जो है नेट कट कर दी हूँ, आप मैंने भिगो दिया है। आपको इतना डालना है पानी की वो अच्छे से मतलब बॉयल हो जाए, मतलब सॉरी बॉयल नहीं, अरे वो अच्छे से फूल जाए, फूलने के बाद ये पानी में मिक्स हो जाता है। और मैं यहाँ पे चाय लेके मतलब पापा को दे आई हूँ नमकीन, वो पी चुके हैं और मतलब दे के आ रही थी। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो हो गया, और यहाँ पे मैंने दाल ली मेरी, और मैंने फ्राई करने के लिए तड़का मतलब फ्राई कर दिया है दाल। फिर मैंने जो मसाले होते हैं उसमें ऐड करना है मुझे, जैसे कि यहाँ पर लहसुन हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया था और हरी धनिया, इसको मतलब अच्छे से तीनों को एकदम कूट लेना है। कूट लेने में कूटने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे मैं कूटूँगी। और यहाँ का मतलब जो वो है क्या बोलते हैं डो तैयार करना है मुझे इसका, तो मतलब आपको ऐसे छान लेना है, या पानी अगर बचा थोड़ा बहुत हो तो कुछ नहीं, आपको इसमें मतलब मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया हुआ है, और अच्छे से उसको मसल लेना है जो मैंने भिगोया था। और जब तक मतलब इतना आटा आपको डालना है इसका, तो मतलब डो तैयार करना है ना बहुत टाइट होना, सॉफ्ट हो, ऐसे भी ये टाइट होगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने बेसन और गेहूँ का आटा और ये उड़द का जो मतलब चूनी की चूनी है मतलब छोटे टुकड़े का होता है, तो मतलब आपको उतना ही डालना है, उतना ही सोख ले और मतलब मतलब इसका जो स्वाद होता है ना, एक बार आप लोग बना के खाइएगा। बहुत लोग फेंक देते हैं लेकिन हम लोग फेंकते नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, और यहाँ पे मैं अजवाइन भी ऐड करूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा और मैं इसे मुझे ऐड करना है। और जो मैंने कूट के लिया था मतलब लहसुन हरी धनिया मिर्च वगैरह, वो भी इसमें मैं डाल लूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी लूँगी। तो आपको इतनी अजवाइन डालनी है, इसमें आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है।
मिर्ची वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसकी अगर आप चाहे पूरी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं या रोटी बना सकते हैं। तो इस यहाँ पे मैं ऑयल लूँगी जो अच्छे से, मतलब ये जो आटा डो अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ये मेरी रोटी जो है तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पापा के लिए प्लेट भी लगा दी है और मैंने सिंपल दाल बनाई थी मिक्स, यहाँ ले जाते हुए रख के लिए। यहाँ पे चटनी, सलाद, मूली ये सब रखा हुआ है। और मेरी रोटी जो है आपको सिंपल तरीके से बनाना है, छोटी सी डोई लेना है, उसके बाद थोड़ा सा मतलब हाथ से इसको मतलब पानी लगा के आपको मतलब रोटी थोड़ी सी बनानी होगी थोड़ी सी। उसके बाद आप इसको बेल लेंगे बेलन के हेल्प से, और उसके बाद मतलब आप अच्छे से इसको पका लेंगे जैसे मैं सीख रही हूँ आपको। तो ये जो रोटी है ना क्रिस्पी बहुत अच्छी बनी थी, ये देखिए चारों तरफ से पूरी गर्म जा रही थी, मैंने इसको उठा के फेंक ही दिया। फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी रोटी तैयार है। ओके गाइस, प्लीज़ आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।